डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर और सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने मुल्तान फिजियो कॉलेज अस्करी बाईपास का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ ने फिजियो कॉलेज के मुख्तलिफ ब्रांचेज और तदरीसी अमल का मुआयना किया। मुल्तान से नईम राणा की खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर और सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने फैजियो कॉलेज अक्सरी बाईपास का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ मुल्तान ने फैजियो कॉलेज की मुख्तलिफ ब्रांचेज और तदरीस अमल का मुआयना किया। रिजवान कदीर और सादिक अली डोगर ने स्पोर्ट्स गाला में शरीक तलबा में इनामत भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने कहा कि फिजियोथेरापी और फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन जदीद दौर का तकाजा है, क्योंकि दुनिया भर में फिजियोथेरापी एजुकेशन पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तलबा की कसीर तादाद में फिजियोथेरापी की फील्ड में शमूलियत खुश आइंदा है। सीपीओ सादिक अली डोगर ने कहा कि फैजियो कॉलेज और पुलिस के माबेन इलाज मुआलजा और तालीम फराहमी के मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं। शहदा के बच्चों के लिए फैजियो कॉलेज इंतजामिया मुख्तलिफ कोर्सेज और ट्रेनिंग मुहैया करेगा। बाद अजान डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ मुल्तान ने तुलबा से मुलाकात की और इनकी सलाहियतों को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ नईम राणा, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान।